उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और हम लगातार अलग अलग जिलों में जाकर अलग अलग विधानसभाओं में जाकर समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रत्याशियों का दमखम समझने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के वादे विपक्ष के दावों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन बातों में कितनी सच्चाई है। उसी कड़ी में इस वक्त हमें बदायूं की सहसवान विधानसभा सीट पर, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन अभी के जो समीकरण और अभी की जो समस्याएं जनता के बीच जाकर हमें दिखाई दी उससे साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है मौजूदा विधायक से काफी नाराज है, क्योंकि उन्होंने कोई बेहतर काम नहीं किया। चाहे वो ड्रेनेज की बात हो गई हो या सड़कों की बात हो गई हो, उन्होंने कोई बेहतर काम नहीं किया। और बीजेपी की तरफ से इस बार यहाँ से प्रत्याशी के रूप में डीके भारद्वाज साहब को चुना गया है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। भारद्वाज साहब, अभी इन्हीं गलियों से मैं आया हूँ और मैंने देखा है कि ना तो ड्रेनेज, ना तो पानी निकासी की कोई सुविधा है यहाँ पर, ना तो सड़कों पर कोई काम हुआ है, किसी प्रकार से कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है यहाँ पर। तो आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो वो कौन कौन सी समस्याएं आपको बता रही है और उनका निराकरण कैसे करेंगे, जनता आपको वोट क्यों करे, सबसे पहला सवाल ये। देखिए, यहाँ पर दुर्भाग्य से 55 साल से भाजपा नहीं है, समाजवादियों का कब्जा रहा। समाजवादी कहने को तो समाजवादी बनते हैं लेकिन वो परिवारवाद के अलावा उनका कुछ नहीं है। उन्होंने यहाँ पर पक्षपात किया, अपने चहेतों के यहाँ ही तो विकास करवाए थोड़े बहुत, इसके अतिरिक्त उनका जो है बिल्कुल जो नीतियाँ रहीं दबंगई की रहीं, गुंडागर्दी की रहीं, और उन्होंने लोगों के बीच में मतलब इतना भेदभाव किया है, इतना भेदभाव किया है लोगों के साथ में जो कि अमानवीय है। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी वो प्रमुख समस्याएं हैं अभी, क्योंकि अभी आप बीजेपी से प्रत्याशी हैं, आप जनता के बीच जा रहे हैं और जन समर्थन भी आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, मिल रहा है, तो बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ना, दूसरी चीज यहाँ की समस्याएं कौन सी हैं, आप किस तरह से इस चुनौती को देख रहे हैं? देखिए, क्या है कि मोदी जी और पूज्य योगी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। उस नारे के तहत हमारी पूरी योजना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हम पूरी तरह से सबका साथ और सबका विकास अपनाएंगे। उदाहरण के तौर पर हमने किसान निधि दी, ये नहीं देखा कौन व्यक्ति कौन सी जाति का है। हमने आवास दिए, हमने ये नहीं देखा हमारी पार्टी ने कौन किस जाति का है। और राशन जो हम दे रहे हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए पूरी जनता एक समान है, सबका साथ सबका विकास है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं दोस्त आपसे कहूँगा कि मौका पड़े तो एक बार वहाँ होके आइए। यहाँ मड़ैया करके एक जगह है गंगा का किनारा, उस मड़ैयों में मेरी गाड़ी कई बार इतने इतने दो दो फुट के सड़क की गहराई है कि गाड़ी उसी में बैठ जाती है। मतलब दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन मैं 47 देश घूम चुका हूँ, 6 भाषाओं का मुझे ज्ञान है। अब तक बदायूं में मैंने 397 स्कूलों को कंप्यूटराइज कराया है, 8664 कन्याओं के मैंने कन्यादान लिए हैं, और मैं और गोरखपुर से मैं योगी जी के मठ से जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरे गुरु हैं। तो मैं तो छोटे चेले के रूप में यहाँ पर हूँ, जो विचारधारा योगी जी की है उसको मैं यहाँ उतारूंगा। और जो मड़ैया आज की तारीख में देश का और विदेशियों का टूरिज्म, मैं सहजवान मिला के रहूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा ठीक, मैं ये कह रहा था कि पश्चिम को लेकर कई सारे सवाल हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी के सीनियर लीडर पश्चिम में इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि पश्चिम के हाथ से निकल रहा है। पहली चीज, किसान नाराज है, बेरोजगारी, बिजली, कई सारी समस्याएं विपक्षी दलों की तरफ से गिनाई जा रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? और अहम बात यह है कि इस बार का ये जो रिजल्ट है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं, 200 के पार हम जाएंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है, पश्चिम से क्या निकल कर रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी इस बार 100 सीटों के नीचे रह जाएगी, अभी मेरी बात लिख के रखें, 100 भी नहीं मिल पाएंगे, 100 का आंकड़ा पूरा नहीं करेगी। और जहां तक उनका आरोप है, समाजवादी परिवारवादी तो बन ही चुके हैं लेकिन वो झूठे भी हो चुके हैं। कारण क्या है, मोदी जी की मुजफ्फरनगर में रैली हुई, मैं गया था वहाँ पर, 3 लाख से लोग ज्यादा थे, जिस बस में 50 लोग आने चाहिए 70-70 लोग थे, बिल्कुल झूठ बोलने, उनका कहना निराधार है। पश्चिम में भी आप देखना, हम 85-90% सीटों पर पुनः विजय होंगे। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 300+ सीटें मिलेंगी,
योगी जी महाराज दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। मैं अपनी एक योजना और बताता हूँ आपको। मेरी सोच ये है जब विधानसभा चुनाव में जीत जाऊंगा, हर गांव में अपनी एक 10 लोगों की कमेटी बनाऊंगा। अच्छा। उसमें बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, जाटव, नाई, धोबी, कश्यप, मल्ला, वाल्मीकि, वो 10 लोगों की टीम ये तय करा करेगी कि जो गांव में जो विकास होना है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वो मेरी मिनी विधायिका होगी हर गाँव में, डेवलपमेंट में करके दिखाऊंगा। देखिए 47 देश जब मैंने घूमे, वहाँ के और यहाँ के गांव में अंतर क्या है? वहाँ का गांव सिर्फ इसलिए गांव होता है, वहाँ पे फार्मिंग होती है, वहाँ के गांव में फार्मिंग होती है, इसलिए उसको हम कहते हैं गांव। बिल्डिंग वही, सुविधाएं वही, और दुर्भाग्य से हमारे जो गांव की स्थिति है दयनीय है। स्पेशली सहसवान विधानसभा की बात कर रहा हूँ, सहसवान की दिशा और दशा 14 फरवरी को निश्चित रूप से बदलेगी, और मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ, कम से कम 25 से 30 हजार वोट से जीतूंगा। आप ये मेरा रिकॉर्ड करने बयान। आखिरी सवाल है मेरा, विधानसभा की ये जो जनता है, जो आपके साथ है, जो आपको वोट करने वाली है या जो वोट का मन बना रही है, उसके लिए क्या संदेश है? दूसरी चीज, क्या इस बार समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, सहसवान जो सीट है, इसका रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी का जो रहा है वो टूटेगा? पहला, समाजवादी पार्टी आज की तारीख में फाइट में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समाजवादी पार्टी फाइट में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समाजवादी का जो वोट बैंक है उसमें डीपी यादव भी सेफ, उनका पुत्र कुणाल यादव है, वो सेफ, उसने सेंध लगा दी। कांग्रेस से भी राजवीर सिंह यादव है, उन्होंने सेंध लगाई है। यहाँ पर जो मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, जो मेरी टक्कर है, टक्कर क्या कहूँ, कम से कम 30 हजार से हारेंगे, एक बिट्टन करके है बहुजन समाज पार्टी से। अच्छा। आपको पता है बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बहन जी घर से बाहर नहीं निकल रही है, उनका जो वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ आ गया है। बताइए, मैं नहीं आई है। अच्छा। तो उनका जो वोट बैंक है पूरी तरह से 80% भाजपा की तरफ जा चुका है। अब खाली ट्वीट और कमरे से बैठ के थोड़ी कुछ होगा, आपको पता होगा, वो तो ऐसी महिला है, उन्हें आज तक स्पीच देना नहीं आया, पढ़ के बोलती है वो मायावती इज गॉन केस। मेरे हिसाब से मायावती, शी इज नो मोर, पॉलिटिक्स में उनका करियर खत्म हो गया। अच्छा। क्योंकि उनका भी कह रहा, कहती थी मैं दलित की बेटी हूँ, अरे वो दौलत की बेटी है, दुनिया जानती है, इतने छापे उनके यहाँ, इतने वो पड़े हैं, उनके भाई, आनंद, भतीजे सिर्फ हमेशा पैसों के चक्कर में रहे, इसके अतिरिक्त थोड़ी, आनंद तो माली था इसमें नोएडा अथॉरिटी में, पर आज इतना बड़ा उद्योगपति बन गया, पता नहीं कौन सी फैक्ट्री उसने खोल ली, मैं जो तो देखी नहीं। मैं जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मुझे पता है पैसा कमाना कितना कठिन है, पर ये पता नहीं साहब, इन नेताओं की जो इस तरह के भ्रष्ट नेता होते हैं, कौन सी फैक्ट्री चलती जो पैसे ही पैसा आ जाता, आई डोंट नो। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये थे डीके भारद्वाज साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार ये जो सहसवान विधानसभा सीट है, जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही थी, इस बार यहाँ पर सारे समीकरण ध्वस्त होंगे और बीजेपी यहाँ से जीतेगी। डीके भारद्वाज यहाँ से जीतेंगे और जीतने के बाद बेहतर विकास यहाँ का होगा, क्योंकि यहाँ पर विकास के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो सड़कें हैं, जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, जो किसानों की, जो बिजली की, सॉरी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का हल करने के लिए बीजेपी यहाँ से पूरी तैयार है और जीतने के बाद उन सब पर काम होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ भारतीय जनता पार्टी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।